तो हे पीजी फैमिली, क्या हालचाल। तो देखो यार, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ये यार प्लेस्टेशन 4 को परचेस करना चाहते हैं, तो उन लोग का यार एक चीज़ में बहुत यार कंफ्यूजन होता होगा यार कि प्लेस्टेशन 4 आखिर कैसा है। मतलब वो चलेगा, अगर मैं खरीद लूँ तो वो कितना मंथ चलेगा, कैसा चलेगा, क्या चलेगा, मतलब जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाएगा मेरा पैसा, कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा ना। क्योंकि प्लेस्टेशन 5 जब से आया, प्लेस्टेशन 4 की मार्केट ख़त्म हो गई है, तो फाइनली आज मेरे प्लेस्टेशन 4 को खरीदे 8 मंथ हो चुका है, ठीक है, 8 महीना हो चुका है मेरे प्लेस्टेशन 4 को खरीदे। तो यार आज फाइनली मैं एक और रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ अपने प्लेस्टेशन 4 के बारे में कि आखिर मेरा प्लेस्टेशन 4 कैसा काम कर रहा है। तो चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो सबसे पहले देख सकते हो यार कि मेरा प्लेस्टेशन ऑफ है, सब कुछ यार रिव्यू के बारे में बात करूँगा, और एंड में वीडियो के एंड में मैं भी ये भी बताऊँगा यार कि मेरे प्लेस्टेशन 4 में आखिर कुछ खराबी आया है कि नहीं, कुछ ऐसा चीज़ जो कि पहले नहीं होता था लेकिन अब होने लगा है कुछ ख़राब, तो वो वीडियो के एंड में हम लोग बात करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि आज के टाइम पे आप लोग को प्लेस्टेशन 4 परचेस करना चाहिए कि नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप भी प्लेस्टेशन 4 को लेना चाहते हो तो वीडियो को देखना एंड तक। तो चलो, मैंने अपने प्लेस्टेशन को फाइनली ऑन कर लिया है, अभी तक मेरा प्लेस्टेशन ऑफ था, और आप लोग यार अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि PS का लोगो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 8 मंथ हो गए यार मेरे प्लेस्टेशन को। और भाई साहब एक बात और बताना था कि जैसा कि प्लेस्टेशन 4 में 1 ईयर्स का वारंटी होता है, तो फाइनली 1 ईयर्स का वारंटी ख़त्म होने में बस 4 महीना है। और मेरे प्लेस्टेशन 5 में मेरे कंट्रोलर में ना, मेरा कंट्रोलर का तो वारंटी ख़त्म हो गया है, क्योंकि कंट्रोलर का वारंटी सिर्फ 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो चलो, अपने PS का भी मैंने बटन दबा दिया है, और भाई साहब मेरा प्लेस्टेशन हो चुका है सक्सेसफुली ऑन। तो मैं आप लोग के यार 2 गेम का आज हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं। अरे हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया यार आप लोगों से कि मेरे पास मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 1 मंथ रिव्यू के बारे में, कि 1 मंथ रिव्यू किया था मैंने प्लेस्टेशन 4 का, तो अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है जाके देख सकते हो, दोनों वीडियो को कंपेयर कर सकते हो। और मैंने अनबॉक्सिंग का भी वीडियो बनाया था अपने चैनल पे ये अगर आपको अनबॉक्सिंग भी देखना है प्लेस्टेशन 4 का, तो मैंने उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख लेना, आपको आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगा और भाई डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक दोनों वीडियो का, जाके देखना ज़रूर। तो मैंने फाइनली अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी लगा लिया है गेम को। तो चलो, अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी गेम को मैंने ऑन कर लिया। अब देखो यार इस गेम को ऑन होने में कितना टाइम लगेगा। इसके बाद यार हम लोग GTA 5 को भी ऑन करेंगे, देखते हैं GTA 5 को कितना ऑन करने में कितना टाइम लगेगा। इससे पहले जब मैंने 1 मंथ का जो रिव्यू वीडियो नहीं बनाया था, उसमें भी मैंने GTA 5 को लगाया था, तो उसमें GTA 5 को ऑन होने में मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लगा था, 2 मिनट का टाइम लगा था। तो इस बार देखते हैं कि 8 मंथ हो चुके हैं, उस टाइम तो मेरे प्लेस्टेशन को आए केवल 1 ही मंथ हुआ था, अब तो 8 मंथ हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि अब कितना टाइम लगता है। तो ये चीज़ भाई गौर करने वाली है, इससे हम लोग अपने प्लेस्टेशन के परफॉर्मेंस पे पता लगा सकते हैं कि हम लोग का प्लेस्टेशन ऑफ हुआ, प्लेस्टेशन में कुछ स्लो हुआ है कि नहीं। तो चलो, अनचार्टेड में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि अनचार्टेड ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब लेकिन GTA 5 को टाइम लगता है ओपन होने में, तो अब GTA 5 को लगाते हैं। चलो भाई, और हाँ आप लोग को वो वीडियो देखना है जाके देख लेना, अगर किसी को अनबॉक्सिंग देखना है PS4 का जाके देख लेना, ठीक है। और आखिरी में हम लोग बात भी करेंगे खराबी के बारे में, और भाई आपको अगर अभी परचेस करना है उसके बारे में भी। तो चलो, CD लेने में भी भाई 10 सेकेंड का टाइम लेता है प्लेस्टेशन 4, अब PS5 का तो मुझे नहीं मालूम। और आप लोग भी बताना है यार, अगर आपके पास PS4 है तो आपके प्लेस्टेशन 4 को कितना टाइम हो गया लिए हुए, और आपके में प्लेस्टेशन 4 में कुछ खराबी है वो भी कमेंट में बताना, कि कुछ ख़राब हुआ हो प्लेस्टेशन में, कोई चीज़ ना काम करता हो, कुछ भी हो यार, तो कमेंट ज़रूर करना, अपना रिव्यू भी ज़रूर देना, ठीक है। तो चलो, GTA 5 को लगा दिया, और मैंने इसको लगाया है 4 मिनट 15 सेकेंड पे, 4 मिनट 15 सेकेंड, भाई आप लोग याद रखना 4 मिनट 15 सेकेंड पे मैंने वीडियो के टाइम पे लगाया है। तो अब देखना GTA 5 को सक्सेसफुल पूरा ऑन होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम लोड होने में लेता है गेम, लोडिंग होने में, देखते हैं। चलो भाई, लोडिंग स्टार्ट हो गया है, देखो 10% बहुत जल्दी हो गया, 20% बहुत, 10% हो गया है, 5 सेकेंड में बढ़ रहा है, 20 हो गया भाई, 20 देखो 10, 20, 30, 40 बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन 90 से 100 जाने में करीब भाई 1 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है।
तो आप देखो 1 मिनट होने वाले हैं, 1 मिनट में अभी तक हम लोग का प्ले GTA 5 अभी तक ऑन नहीं हुआ है, देखते हैं। GTA 5 और देखो 60% हो गया, 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक कल 60% हुआ है, 70% टाइम ले रहा है भाई, टाइम ले रहा है, अच्छा खासा टाइम ले रहा है, 80%। 1 मंथ के रिव्यू में देखोगे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 2 मिनट बस लगा है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा। देखो 90% हो गया है, अभी मात्र केवल 1.5 मिनट हुआ है और अभी 90% हो चुका है। अब देखो ये 100% कब होता है, ये चीज़ देखना है भाई, 100% कितने टाइम में होता है ये, चलो देखते हैं। 2 मिनट भी बस होने ही वाला है, हो जा भाई स्लो, पता नहीं यार का 2 मिनट से पहले नहीं लोड हुआ, इसका मतलब भाई स्लो हुआ हम लोग का परफॉर्मेंस। 100% हो जा भाई, नहीं हो रहा है 2 मिनट होने ही वाला है, 11, 12, 13, 14, 15, चल भाई फाइनली 2 मिनट फाइनली डन हो गया है, और अभी तक हम लोग का प्ले स्टेशन भाई ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब हम लोग के प्ले स्टेशन 4 का परफॉर्मेंस लो हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा लो नहीं कह सकते इसको। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 सेकेंड बस एक्स्ट्रा गया है, 10 सेकेंड। अभी ड्राइवर के, अबे ड्राइवर कैसा कपड़ा पहना है यार, मैंने तो इसको ऐसा कपड़ा नहीं पहना है कभी भी, भाई लड़कियों का कपड़ा पहना है ड्राइवर, ये कहाँ था, ये छमियागिरी कर रहा था क्या? अबे छोड़ो यार, मैं कहाँ GTA 5 में घुस गया। तो चलो भाई GTA 5 को भाई ऑन होने में करीब लगा है 2 मिनट 10 सेकेंड, और इससे पहले जब मैंने 1 मंथ का किया था तब 2 मिनट का मात्र टाइम लगा था, मुझे कंफर्म नहीं आता लेकिन 2 मिनट लगा ही था। तो इसका मतलब यार थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो हुआ है, इतना चलता है भाई, इतना स्लो चलता है। अगर आपके पास प्लेस्टेशन 5 भी है तो उसका भी आप लोग क्या प्लीज़ आप रिव्यू देना कि क्या उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि प्लेस्टेशन 5 तो मेरे पास नहीं है तो इसके बारे में मैं रिव्यू नहीं दे सकता कि आखिर प्लेस्टेशन 5 में कितना टाइम लगता है ऑन होने में GTA 5, लेकिन इतना मालूम है कि प्लेस्टेशन 4 से कम लगता है। तो ठीक है, अब चलो हम लोग अपने प्लेस्टेशन को ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ एंड ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मैंने आपसे कहा था यार कि एंड में बात करेंगे कि मेरे प्लेस्टेशन 4 में क्या कोई खराबी आया है, तो इसका जवाब है भाई हाँ, एक खराबी मेरे प्लेस्टेशन 4 में आया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कंट्रोलर बहुत बार हैंग हो जाता है, मेरे प्लेस्टेशन 4 का कंट्रोलर। अब देखो इसका वारंटी ख़त्म हो चुका है, 6 महीने का ही था और 8 महीना हो चुका है तो ख़त्म हो गया। तो अब देखो प्रॉब्लम हैंग का मतलब देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, जब मैं अपना प्लेस्टेशन ऑन करता हूँ तो उसमें आता है प्रेस द PS बटन टू यूज़ कंट्रोलर, तो जब मैं उस बटन को दबाता हूँ तो दबा तो देता हूँ, लाइट भी जलता है प्लेस्टेशन के आगे, मेरे कंट्रोलर के आगे से, बट वो कंट्रोलर काम ही नहीं करता, कंट्रोलर नहीं काम करता है। तो इसके लिए मुझे जानते हो क्या करना पड़ता है, मुझे यार PS4 को ऑफ करके फिर से ऑन करना पड़ता है, और जिसकी वजह से यार मेरा डेटा भी क्रैश होने का चांस हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्लेस्टेशन को टर्न ऑफ करना पड़ता है ना, तो अगर वो नहीं करोगे तो आपका क्रैश हो जाएगा, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि हैंग हो जाए, ये करीब 10 बार अगर मैं प्लेस्टेशन ऑन करता हूँ तो उसमें बस एक बार होता है, 10 में 1 बार, तो ये बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं है कि हर बार हो, तो 1 महीने में बस मेरे पर कंट्रोलर का ये प्रॉब्लम कंट्रोलर का है, और वारंटी ख़त्म हो गई है, वरना मैं इसको बनवा लेता, अब जाऊँगा तो यार पैसा लगेगा सर्विस उसमें, तो बस ये एक यही एक प्रॉब्लम है। अगर आपके पास भी अगर यार प्लेस्टेशन 4 है तो आप लोग भी बताना यार कि कहीं आप लोग को भी ये प्रॉब्लम कभी आपने फेस किया है प्लेस्टेशन 4 के कंट्रोलर में कि हैंग हो जाए, जैसे कि मैं आपको देखो फिर से दिखा रहा हूँ, हो सकता हो अभी तो नहीं हो रहा हैंग, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कंट्रोलर काम ही नहीं कर रहा। अब कंट्रोलर काम नहीं कर रहा तो भाई उसको कैसे कंट्रोल करे यार PS4 को, तो प्लग ही से करना पड़ता है। तो अब चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के टाइम पे आप लोग को प्लेस्टेशन 4 को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। तो देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 60,000 रुपये तक का है तो मैं कहूँगा कि आप लोग आराम से PS5 को परचेज़ कर लो, क्योंकि वो न्यू जनरेशन कॉन्सोल है। बट अगर आपका बजट 35,000 से 40,000 तक का है तो यार प्लेस्टेशन 4 को भी ले सकते हो। प्लेस्टेशन 4 भी आज के जनरेशन के हिसाब से बहुत सही है, और आज भी ये चल रहा है, इसके गेम्स भी न्यू आ रहे हैं, और 2024 तक आराम से आएगा। तो आपका बजट अगर 35-40 तक का है तो आप आराम से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि प्लेस्टेशन 5 ही लो, क्योंकि प्लेस्टेशन 4 भी बहुत बेस्ट है। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते ना, तो चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक चीज़ और, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं आंसर ज़रूर करता हूँ।